सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो सेट का पोर्शन। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग वैन एप्लीकेशन को यूज करके एंड इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग बाइक रील्स वाली वीडियो दोस्तों एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। और इस तरह का वीडियो दोस्तों अभी का टाइम में इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आखिर आप लोग इस तरह का वीडियो द्वारा कैसे एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है ना। सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना है एंड चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि और भी इसी तरह का एडिटिंग रिलेटेड वीडियो दोस्तों आप लोगों को हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों भगवान वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो वीडियो हम बनाने वाले दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये वाली फोटो का, ठीक है ना। तो इस फोटो को सबसे पहले आप लोग को जो बैकग्राउंड वगैरह जो आपने अलग अलग पार्ट करना पड़ेगा तो वो सब आप लोग को पहले करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब काम करने के लिए दोस्तों सिंपली आप लोग को जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैं फोटो रूम वाले एप्लीकेशन में यहाँ पर जो है करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग भी इसको डाउनलोड करना चाहते हो अगर आप लोग जो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तक ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, ठीक है। सो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग जो फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो तो पहली बार इसको ओपन कर रहे हो तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक रिसेट का ऑप्शन मिल जाता है ये वाले, ठीक है ना। तो आप लोग इसके ऊपर कुछ इस तरह से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अपने जो भी फोटो में इस तरह का वीडियोस बनाना चाहते हैं दोस्तों तो वाली फोटो आप लोग को यहाँ से ऐड कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए मैं ये वाली फोटो यहाँ से ऐड कर लेता हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ से साइज वगैरह जो भी आपने बढ़ाना चाहते थे यहाँ से आप जो है बढ़ा सकते हो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा कुछ इस तरह से जहाँ तक भी आपने इसका सबसे पहले आप जो यहाँ से बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह से कलर कर लेना, ठीक है ना। तो जहाँ तक भी आपने कलर करते हो तो वहाँ तक आप लोगों को जो है यहाँ से बैकग्राउंड दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, तो आप लोग को भी इस तरह से कर लेना, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों एक बार कलर करने के बाद जो है बैकग्राउंड भी अच्छा से नहीं हट रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग को और एक बार कुछ इस तरह से कर लेना, ठीक है। तो आप लोग का बैकग्राउंड जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हट जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा बैकग्राउंड यहाँ से हट चुका है, देन आप लोग को यहाँ से नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आप लोग इसको जो है यहाँ से स्पॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके देन उसके बाद आप लोग को ऐसे सेव टू गैलरी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आप लोग का दोस्तों बैकग्राउंड यहाँ से फोटो का फाइल में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा बाइक आ जाना, ठीक है ना। बाइक आने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ से प्लस बटन क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को वही वाला बाइक फिर से यहाँ से ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आप लोग को इसका जो आप लोग को एक बार PNG बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो PNG इस तरह से बन जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसका नेम वगैरह थोड़ा सा यहाँ पर लेगा। लेने के बाद आप लोग का यहाँ से बाइक का PNG बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ से कोई भी एक PNG दोस्तों आप लोग को सेव कर लेना, ठीक है। सेव हो जाने के बाद आप लोग को यहाँ से कट कर देना, ठीक है। कट करने के बाद दोस्तों इस बार आप लोगों को फोटो को यानी कि जो PNG आपने बनाया तो वाले PNG का आप लोगों को कुछ अलग अलग पार्ट में 3-4 पार्ट में आप लोग को यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो सब काम करने के लिए देन मैं ऐसे जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं ऐसे पिक्सआर्ट ऐप को यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को प्ले स्टोर में अवेलेबल है, देन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों पिक्सआर्ट ऐप को कुछ इस तरह से ओपन कर लेना, ठीक है ना। ओपन करने के बाद आप लोग को ऐसे एडिट फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। एडिट फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को वही वाला PNG बाइक का PNG आप लोग को ऐसे ऐड कर लेना, ठीक है। कुछ इस तरह से ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक कटआउट का ऑप्शन मिल जाता है ये वाला, ठीक है ना। तो आप लोग को कटआउट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपने हिसाब से यहाँ से कुछ इस तरह से रख लेना। रखने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को यहाँ से थोड़ा थोड़ा कलर कर देना, ठीक है ना। तो जो भी पार्ट आपने रखना चाहते हैं उसको आप लोग को कुछ इस तरह से कलर कर लेना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग को कलर कर देना, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ से डन कर देना, ठीक है ना। डन करने के बाद जैसे कि देख सकते हो मेरा जो कि जहाँ तक मैंने कलर किया तो वो वाली मेरा जो है यहाँ से PNG बन चुका है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आप लोग का फोटो दोस्तों फोटो का फाइल में सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा बाइक कर देना। बाइक करने के बाद जो आप लोग को इसी तरह से 3-4 पार्ट आप लोग को बना लेना, ठीक है। तो चलिए मैं बना लेता हूँ फिर आप लोग को आगे बताता हूँ, ठीक है। ओके सो इतना काम करने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को इसको जो है यहाँ से कट कर देना, ठीक है ना। कट कर देना कुछ इस तरह से जैसे कि आप देख पा रहे हो। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। कुछ इस तरह से ओपन कर लेना। ये भी एप्लीकेशन आप लोग को प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग का सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक प्लस कैटन में मिल जाता है ये वाले, ठीक है। तो आप लोग को प्लस बटन क्लिक कर देना। देन उसके बाद आप लोग को ऐसे न्यू प्रोजेक्ट लास्ट में क्लिक कर देना। न्यू प्रोजेक्ट लास्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को यहाँ से वही वाला बैकग्राउंड आप लोग को ऐड कर लेना, ठीक है ना। जो बैकग्राउंड अपने फोटो रूम में बनाया, ठीक है। तो वाले बैकग्राउंड यहाँ से कुछ इस तरह से ऐड कर लेना। देन उसके बाद आप लोग ऐसे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद जैसे कि देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड यहाँ से ऐड हो चुका है, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग को लास्ट में आ जाना। लास्ट में आप लोग को एक ब्लैक कलर में VN एप्लीकेशन को वाटर मार्क मिलेगा, आप लोग को यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है।
डिलीट करने के बाद आप लोग इसका साइज़ वगैरह थोड़ा सा आप लोग को बढ़ा लेना, जितना भी आपने वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसका हिसाब से आप लोग को यहाँ पर बढ़ा लेना, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ से फर्स्ट में आ जाना, ठीक है। फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को यहाँ पर एक PIP का ऑप्शन मिल जाता है, ये वाले जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये वाले, ठीक है। तो आप लोग को PIP वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से आप लोग को वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। देन उसके बाद आप लोग को ऐसे फोटो वाला ऑप्शन पर आ जाना, ठीक है ना। फोटो वाला ऑप्शन पर आने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को ऐसे एक एक पार्ट को आप लोग को ऐड कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं जैसे कि देख सकते हो पहले ऐसे टायर को ऐड कर लिया हूँ, सामने वाला टायर को, ठीक है। तो आप लोग को भी कुछ इस तरह से ऐड कर लेना और सभी पार्ट को, ठीक है ना। तो चलिए मैं कुछ इस तरह से ऐड कर लेता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, तो कुछ इस तरह से ऐड हो जाने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को इस सभी को जो है वीडियो की लास्ट तक कुछ इस तरह से कर देना सभी को, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को कर देना, करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ से स्टार्टिंग में आ जाना। स्टार्टिंग में आने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को इस बार यहाँ से जो है मैं की फ्रेम ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पर एक की फ्रेम का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये वाला, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ से सभी फोटो में दोस्तों यहाँ से स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए मैं कुछ इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। इस तरह से ऐड हो जाने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से कुछ इस तरह से इसको जो है हाइड कर देना, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से आप लोग को सभी को हाइड कर देना, ठीक है ना। कुछ इस तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को थोड़ा सा कुछ इस तरह से आगे की तरफ आ जाना, ठीक है ना। आगे की तरफ आने के बाद आप लोग को यहाँ पर फिर से आप लोग को एक की फ्रेम ऐड कर लेना, ठीक है। तो सभी में आप लोग को फिर से यहाँ से एक एक की फ्रेम आप लोग को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद जो आप लोग को सभी को फिर से आप लोग को नीचे की तरफ लाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से करने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को फिर से थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाना यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप लोग को अपने वीडियो का अकॉर्डिंग जो है आप लोग को कुछ इस तरह से बना लेना, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ पर भी आप लोग को सभी फोटो में कुछ इस तरह से फिर से आप लोग को की फ्रेम ऐड कर लेना, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को सभी मॉडल को आप लोग को ऊपर की तरफ कर देना, ठीक है ना। एक एक करके और कुछ इस तरह से आप लोग को ऊपर की तरफ कर देना, ठीक है। करने के बाद आप लोग को फिर से थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाना। आने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ से सभी में की फ्रेम ऐड कर लेना, ठीक है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से आप लोग को ऐड कर लेना दोस्तों। बार बार आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा, इसके लिए आप लोग को कुछ इस तरह से ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड करने के बाद आप लोग को फिर से नीचे की तरफ लाना। लाने के बाद आप लोग को इस बार आप लोग को यहाँ से अच्छे से आप लोग को लगाना है, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सेट जैसा दिखे। कुछ इस तरह से आप लोग का लगा देना दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग का एक्स्ट्रा पार्ट जो भी रहेगा दोस्तों यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना है। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग को स्पीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके देन यहाँ से सभी फोटो में कट लगा लेना, ठीक है ना, कुछ इस तरह से जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग को एक्स्ट्रा पार्ट सभी को यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। चलिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो इस तरह से डिलीट कर देने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को फिर से यहाँ तक आ जाना, जहाँ तक कि आप लोग का फोटो डिलीट किया। सिंपली यहाँ पर आप लोग को आ जाना। आने के बाद आप लोग को फिर से PIP वाला ऑप्शन क्लिक करके फिर से आप लोग को वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन क्लिक कर देना। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से पूरा बाइक का जो PNG है दोस्तों उसको यहाँ से ऐड कर लेना, ठीक है ना। ऐड करने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को इसमें भी आप लोग को यहाँ पर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर लेना, ठीक है। कुछ इस तरह से ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा आगे की तरफ आना। आने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरह से फिर से आप लोग को की फ्रेम ऐड करके देन आप लोग को बाइक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देना। ऊपर की तरफ करने के बाद आप लोग को फिर से थोड़ा सा आगे आना। आगे आने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ से की फ्रेम ऐड करके देन आप लोग को यहाँ से नीचे की तरफ कुछ इस तरह से ला देना, ठीक है। लाने के बाद दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो आप लोग का वीडियो थोड़ा सा कुछ इस तरह से बन करके कम्प्लीट हो चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों कितना ज़्यादा कमाल की लग रही है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को लास्ट वाला की फ्रेम के ऊपर कुछ इस तरह से आ जाना, ठीक है ना। आने के बाद आप लोग को यहाँ पर नीचे वाला मेन फोटो के ऊपर क्लिक करना। देन यहाँ से आप लोग को एक कट लगा लेना, ठीक है। कट लगाने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को यहाँ पर एक FX का ऑप्शन मिल जाता है ये वाली। देन आप लोग को FX वाला ऑप्शन क्लिक करके देन यहाँ से आपको जो है कुछ इस तरह से कोई भी इफेक्ट यूज कर लेना, ठीक है ना। जो इफेक्ट आप लोग को अच्छा लगता है वो इफेक्ट यहाँ से यूज कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से कोई भी इफेक्ट यूज कर लेता हूँ, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेना। जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से यूज कर लेना। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से डन कर देना, ठीक है। डन करने के बाद दोस्तों आप लोग का वीडियो कुछ इस तरह से बन करके कम्प्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा कमाल के दोस्तों हमारा वीडियो से बन चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट करने के लिए देन आप लोग को यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप लोग को एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करके देन आप लोग को फिर से यहाँ से एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना। आप लोग का वीडियो दोस्तों यहाँ से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो आइए आप लोग को उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जानकारी अच्छा लगा होगा। वीडियो जानकारी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लेना एंड हमारे तारक भाई चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बढ़ते रहो।